Sorry.
छह महीने तक मेरे गोपाल की बधाइयां चाहिए और
अभी मेरे गोपाल जी 6 ही दिन के थे कि कंस ने अपनी दुष्ट बहन पूतना को भेज दिया और पूतना ने क्या किया, पालने में से गोपाल जी को उठाया और गोपाल जी को पीछे घने जंगल में ले जाकर के अपना स्तनपान कराने लगे और उसने अपने स्तन पे क्या लगाया था, जहर। बताइए भगवान को भी जहर पिलाने वाले इस दुनिया में किसी भारत में है कम बगल और की तो क्या चला, इंसान को पिला तो क्या हुआ। मेरे गोपाल को पूतना जैसे दुष्ट अपने स्तनों में जहर लगा कर ऐसा भारत है। शास्त्रों में भारत की बड़ी महिमा है, अहो अमीशाम किम कार्य शोभनम, देवता लोग भी भारत में जन्म लेने के लिए तरसते हैं। क्यों, क्योंकि ये देव भूमि है। लेकिन सब देवता थोड़ी हैं, भारत में सारे जन्म देवता थोड़े नहीं, भारत में आतंकवादी भी रहते, कहीं भी बम फोड़ देते हैं जाकर। रामायण में आया है कुछ लोग ऐसे हैं जो दुष्ट खल, उनको दूसरों को सताने में ही मजा आता। एक बार हम यूट्यूब पे देख रहे थे, विदेश की कोई महिला एक छोटे से खरगोश के ऊपर वजन रख रही थी और वो कुचल रही थी उसे। तो वहां के लोगों के शौक है, हमारे यहाँ तो किसी भी त्योहार पे किसी जीव को काटा नहीं जाता। बताइए जन्माष्टमी पे हमारे यहाँ किसी जीव को काटा जाता है क्या, बोलते क्यों नहीं, रामनवमी पे, शिवरात्रि पे, माता के नवरात्रों में, अरे प्याज और लहसुन भी नहीं खाते। ऐसे त्योहार किसी के नहीं मनाए जाते जैसे हमारे सनातन धर्म वालों के यहाँ मनाए जाते। जीव और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म, ऐसा सनातन धर्म है हमारा। और ये पूतना आई, भगवान को जहर पिला, भगवान अमृत पिला रहे हैं। भगवान हमें नित्य प्रति अमृत पिलाते हैं। अगर भगवान ही हवा चलानी बंद कर दे तो दम घुट जाएंगे। ये हवा क्या है, अमृत है भगवान का, बोलो राधे राधे। अगर भगवान पानी को गायब कर दे हवा के बाद, पानी क्या है, भगवान का दिया हुआ हमारे लिए अमृत है, बोलो जय श्री कृष्ण। चिति जल भाव विघन समीरा पंच रचिति अदन शरीरा, 5 तत्वों को बनाया है भगवान हमारे लिए। ऐसे प्यारे प्यारे कन्हैया को पूतना क्या करने आई है, जहर पिलाने आई है। अब क्या हुआ, इधर तो एक पक्ष तो ये हो गया और दूसरा पक्ष भगवान का है। भगवान ने उसका उद्धार किया। कौन थी पूतना, राजा बलि की लड़की थी। जब भगवान वामन बनकर के आए तो वामन उनपे मोहित हो गई। भगवान कहें कंदर्प कोटि लावण्य, कंदर्प कहते कामदेव, कोटि माने करोड़ों, लावण्य माने सुंदर, करोड़ों कामदेव उसे भी सुंदर है, श्याम सुंदर, बोलो जय श्री कृष्ण। मोहित होगी, बोले कि काश छोटे लड़के छोटे बामन अंकल के थे कि ऐसा मेरा बेटा हो, मैं उसे प्यार दुलार करूं। लेकिन जब वो 3 वरदान मांगने थे, विराट बने और उनके पिताजी को खेत में बांध लिया, बोले अगर ऐसा मेरा बेटा हो तो मैं तो जहर पिला दूं उसको। भगवान के सामने किया गया संकल्प सत्य होता है, भगवान उसके सारे संकल्पों को आशीर्वाद देते हैं। तो वो
वो यहां लीला पूरी करी और जैसे ही उसके प्राण निकले उतना ही तो विमान आया और विमान में कहा गया चलिए देवी जी आपको भगवान के धाम में जाना है। बोले मुझे? बोले हाँ। और धाम में बड़े स्वागत दिए फूल पुष्पों की वर्षा करके और धाम इतना सुंदर है भगवान का। हाँ हाँ यहाँ की तरह पॉल्यूशन नहीं है भगवान के धाम में, वहां की सड़कें सब नेचुरल प्राकृतिक हैं हरी भरी। वो धाम भगवान की कृपा से दिखाई देता है कैसा धाम है वो। गामा विशिष्ट भूतानि धारिया में हमोजा पूछ नामी जोशि सर्वा सोमो भूतवा के साथ लगा। वहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, वहां स्वयं प्रकाशित धाम है वो। उसमें सूर्य चंद्रमा नहीं है, सूर्य चंद्रमा तो यही है तारामंडल की, वो स्वयं प्रकाशवान है भगवान के तेज से प्रकाशित है। बोलो वृंदावन धाम, बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन ये बात आप लोगों को तब पता लगेगी जब आप वृंदावन में आना जाना करोगे, वृंदावन की साधना करोगे। हम तो इस कथा के बाद में बिहारी जी के कृपा से जा रहे हैं वृंदावन में, तो आपको वृंदावन की महिमा जानने का प्रयास करना। जिसने मनुष्य जीवन में वृंदावन का रस नहीं लिया उसका जीवन अधूरा है, तो उतना को मोक्ष मिल गया। मोक्ष भी दो प्रकार का होता है, एक सगुण और एक निर्गुण। इनको सगुण मोक्ष मिला, जैसे शरीर है ना हमारा, वैसा ही मरने के बाद में एक शरीर मिलता है दिव्य, उस शरीर से भगवान की सेवा की जाती है। भगवान को भोजन खिलाना, भगवान के चरण दबाना, भगवान के साथ गैया चराने जाना, एक शरीर वो मिलता है किसको? श्री कृष्ण के भक्त को, जो भक्त हो श्री कृष्ण। बोलो राधे राधे। इस प्रकार से पूतना का उद्धार किया भगवान ने, जय जयकार हुई। दूसरा ये जो भगवान का विरत था राक्षसों को मारने का, यहां से भगवान ने खाता खोला है अपना, खाता दुष्टों को मारने का। पूतना के शरीर में भगवान खेल रहे हैं बच्चे बन गए। गांव वासियों ने कहा कि देखो देखो कन्हैया ऊपर खेल रहे हैं, 18 किलोमीटर की पूतना है, 18 किलोमीटर लंबी है, ऊंची कितनी होगी, कई बिल्डिंग। तो गांव वालों ने लकड़ी की सीढ़ियां बना बना करके काट लगा लगा करके वो चढ़े और वहां गोपाल जी को उतारा गया। गोपाल जी को मैया यशोदा ने छाती से लगाया तब उनकी सांस में सांस आई। भगवान को गाय के मूत्र का छींटा लगाया। भगवान कितने परम पवित्र हैं और उनको गाय के मूत्र, कौन सी गाय? भारतीय नस्ल की देसी गाय माता, ये भी बोलना पड़ता है वैसे को। कभी आप गलती में अमेरिकन गाय का नाम उठा करके ले आओगे और जर्सी मिक्स नहीं, ओरिजिनल देसी गैया ही गाय माता है, बाकी नहीं। बाकी को तो मिक्सर बनाया हुआ है, बीज को मिश्रण कर ओरिजिनल देसी गाय को तो रोटी दीजिए आप लोग तो आपकी रोटी पितरों तक पहुंचेगी। वैसे प्राणियों पर दया सब करो, दया के लिए मना नहीं। गोमूत्रेण स्नान इत्वा पुनर्गोरजसार्वकं रक्षां च पिशुशक्तता द्वारसान्निष्णा। भगवान के नाम जप रही है यशोदा मैया और उन नामों के द्वारा भगवान की नजर उतारती है।
आप भी एक मंत्र बोलिए भगवान के नामों का, बच्चों को नजर लग जाए तो ये मंत्र आप हमारे से ले सकते हैं व्हाट्सएप के द्वारा। बोलिए बोलिए, इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणा नारायणोवतु श्वेतदीप अतिष्ठितम् मनो योगेश्वरोवतु। इसका मतलब है इंद्रियाणि, मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान द्वारा है। प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें, श्वेत दीप में रहने वाले विष्णु नारायण मेरे लाला की चित्त की रक्षा करें, योगेश्वर भगवान मेरे लाला के मन की रक्षा करें। बोलो जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर भाव है, एक बड़ी अद्भुत बात हो गई। भगवान ने पूर्णा को मारा और वो धड़ाम से नीचे गिर गई। उधर से हमारे नंद बाबा कंस को कर दे के आ रहे थे, तो रास्ते में पड़ी हुई पूर्णा की लाश राक्षसी की। बाबा ने पूछा कहाँ भय भैया? बोले ऐसे ऐसे लाला को उठावे ताई आई और पता नहीं कहाँ भय होया को, ये तो मर गई और लाला या कोई छाती पर से हमने उतारो। बोले बाबा अभी आपको कहाँ करें? बोले करणों का ले आओ अपनी कुल्हाड़ी, छोटे छोटे स्तर से काट दो और जितने वृक्ष इसके नीचे आकर के कुचले गए हैं वो वृक्ष यहीं पे दे मारो और लगाओ दिया सिरा। तो समस्त ब्रजवासियों ने ऐसे ही कियो, वह पूतना के अंगन को काट दियो और जो वृक्ष कुचले गए थे वो वृक्ष वाले ऊपर रख करके गोविंदाए नमो नमः। लेकिन जब पूतना जलने लगी, पूतना की जो चिता थी जलने लगी, उसमें से सुगंधी आने लगी। ये है आश्चर्य की बात। बोले परीक्षित जी बोले कि पूतना तो पापिनी थी, उसके शरीर से सुगंधि क्यों आ रही है? बोले हे परीक्षित, तुम बाजार से एक मिठाई लेते हो, बाजार में वो मिठाई है लेकिन वही मिठाई आप भगवान के चरणों में रख दो, आंख बंद करके हाथ जोड़ लो और फिर आंख खोलो तो क्या बन जाती है? बोलो बोलो, बोलना पड़ेगा, इतने भी प्रसाद बन जाते। तो जिसको भगवान ने अपने होठों से उसके स्तन को पिया झूठा किया है पूतना का भोग लगा दिया पूरे शरीर का उत्सव, तो वो पूतना अगर सुगंधित हो जाए तो इसमें क्या बड़ी बात है? ये तो मेरे गोपाल की लीला है कि गोपाल जी ने उसको छू लिया। बोलो गोपाल भगवान की। इस प्रकार से भगवान की ये लीलाएं चल रही है। अब भगवान एक महीने के हुए हैं, भगवान ने दूसरी लीला की करवट बदलने की लीला, करवट बदलने में मैया ने बुलावा दिया सबको, मेरा लाला कुछ बड़ो है गयो और तुम आओ बधाई गाओ। तो भगवान की बधाइयां गाने लगे, आई एक बधाई आप हमारे साथ को गाइएगा। के लाला की जय जय श्री राधे। फ्रेंड्स बोलिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। साथियों
बधाई